नमस्कार, मैं श्रुति। आज है 26 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। संपत्ति का ब्यौरा देने पर ही मिलेगा इन अधिकारियों को वेतन। बिहार सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार के अधीन आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के साथ साथ ग्रुप डी के कर्मियों को अब संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा, जिसके पश्चात ही अब इन अधिकारियों को वेतन मुहैया करवाया जाएगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी करके सभी अधिकारियों को 15 फरवरी तक अपने संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का निर्देश दे दिया है। बॉल बैडमिंटन श्रृंखला में भारतीय टीम की हुई जीत। बिहार के मोतिहारी जिले में आयोजित हुए इंडो नेपाल बॉल बैडमिंटन श्रृंखला के पुरुष और महिला दोनों ही क्षेत्र भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम ने नेपाल को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही युगल मुकाबले में भी भारतीय टीम ने नेपाल को 3-0 से पराजित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता के लगभग सभी वर्गों में नेपाल से आई टीम को उपविजेता का खिताब प्राप्त हुआ है। बिहार में इंटर पास अभ्यर्थी को ही बनाया जाएगा होमगार्ड जवान। होमगार्ड की नौकरी की तलाश करने वाले सभी युवाओं के लिए एक अहम सूचना। बिहार में अब होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब होमगार्ड पद पर उन्हीं उम्मीदवारों की बहाली की जाएगी जिनके पास 12वीं कक्षा का डिग्री उपलब्ध है। वहीं अब होमगार्ड पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। याद रहे, अब केवल इंटर पास अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। पटना और बिहार के विभिन्न जिले में छाने लगा कोहरा। पटना में ठंड के साथ साथ अब लोगों को कोहरे को भी झेलना पड़ेगा। ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह और रात के वक्त कोहरा छाने लगा है। बुधवार से बिहार के विभिन्न जिले कोहरे से लिपटे दिखे हैं। कोहरे के कारण अब सबसे ज्यादा गाड़ियों के परिचालन में समस्या आने वाली है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड का असर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अब 26 से लेकर 29 दिसंबर तक रहेगा बंद। सभी आम नागरिकों के लिए एक अहम सूचना। अब 26 से यानी कि आज से लेकर के 29 दिसंबर तक सभी बिहार ग्रामीण बैंक की सेवाएं बंद रहेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बंद का आह्वान ज्वाइंट फोरम ऑफ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यूनियन ने किया है। ज्वाइंट फोरम ऑफ दक्षिण ने इस बंद का आह्वान कर्मियों के विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया। बाबूलाल मरांडी देंगे हेमंत सोरेन को समर्थन। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा बेशक हो गई है, मगर अभी भी पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में जेएमएम महागठबंधन को अब जेबीएम समर्थन करने वाली है, जिसका ऐलान जेबीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में जेबीएम ने 3 सीटें जीती थी। हालांकि हेमंत सोरेन को बाबूलाल के समर्थन देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी वो सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। आज लगेगा सूर्य ग्रहण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज यानी कि 26 दिसंबर को लगने वाला है, जो कि भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई खाड़ी देशों में देखा जा सकता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। वहीं अगर ग्रहण लगने के समय की बात करें तो पंचांगों के अनुसार भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण सुबह 8:17 से लगेगा, जो कि 2 घंटे 40 मिनट तक लगा रहेगा। हर घर नल का जल योजना कार्य को मार्च तक पूरा करने का मिला निर्देश। अब बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत सारा काम मार्च महीने तक पूरा करने का निर्देश जारी किया है, जिसका ऐलान नगर निगम के सभागार में प्रधान सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया है। आपको बता दें कि आयोजित की गई इस बैठक में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको के अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे कविता रॉय की। कविता रॉय भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रह चुकी है। कविता का जन्म बिहार के हाजीपुर जिले में 10 अप्रैल 1980 को हुआ था। कविता भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दाएं हाथ की बल्लेबाज थी। कविता मुख्य रूप से ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, जिन्होंने भारत की तरफ से साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ खेलकर अपने ODI करियर की शुरुआत की थी। एम्स परिसर में आयोजित हुआ 8वां INCPT समारोह। एम्स 2019 में 8वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल थेरेपी का आयोजन 21 से 22 दिसंबर को किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया, जहां उन्होंने अम्मू रॉय समेत कई डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया। आपको बता दें, आयोजित की गई इस कॉन्फ्रेंस में न्यूरो डिपार्टमेंट के प्रभात रंजन, एम्स निदेशक डॉक्टर संदीप गुलेरिया, आयोजन सचिव पूनम मिश्रा समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर प्रभात रंजन ने भौतिक चिकित्सा को योग और नेचुरोपैथी के मानदंडों के आधार पर चिकित्सा प्रणाली में शामिल करने की मांग की। माप तौल विभाग को अगले साल मिल जाएगा उनका आशियाना।
दशकों से किराए के मकान में काम कर रहे सभी मापतौल विभाग के अधिकारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने अगले साल तक सभी मापतौल के अधिकारियों को नए भवन में स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार की मदद लेकर कृषि विभाग ने जिला कृषि कार्यालय में ही लगभग 1.5 करोड़ की राशि खर्च करके मापतौल प्रयोगशाला के निर्माण का काम पूरा करवाया गया है। कलाकेंद्र विश्वविद्यालय से जुड़ने वाला राज्य का पहला आर्ट कॉलेज। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित कलाकेंद्र कॉलेज को अब एक अपनी नई पहचान मिली है। कलाकेंद्र वह पहला आर्ट कॉलेज है समूचे बिहार में जिसका जुड़ाव विश्वविद्यालय से करवाया गया था। इस जगह के जुड़ाव के बाद ही पटना समेत अन्य जगहों पर विभिन्न आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई। दलाई लामा पहुंचे बौद्ध गया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा बिहार के बौद्ध गया पहुंचे थे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ज्ञात हो तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो विशेष विमान से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे जहां उनका स्वागत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह BTMC यानी की बौद्ध गया महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सचिव ने किया, जिसके पश्चात दलाई लामा अन्य अधिकारियों के साथ बौद्ध गया के लिए रवाना हो गए थे। कुश्ती प्रतियोगिता में मधेपुरा के सौरभ ने मारी बाजी। राज्य कुश्ती संघ द्वारा गोपालगंज में आयोजित किए गए राज्य ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता में 86 किलोग्राम की श्रेणी में मधेपुरा के सौरभ कुमार ने बाजी मारकर स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मधेपुरा के सौरभ ने आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में गोपालगंज के अवधेश को हराया था। इस जीत के बाद सौरभ का चयन राष्ट्र प्रतियोगिता के लिए कर लिया गया है, यानी कि अब सौरभ राष्ट्र मंच पर बिहार का नाम रोशन करेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अटल वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 95वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां तक कि राजधानी पटना में भी SK मेमोरियल हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहाँ पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की थी। लकी स्ट्राइक के श्रृंगी ऋषि में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। श्रृंगी ऋषि धाम का नाम ऋषि श्रृंगी के नाम पर रखा गया है। श्रृंगी ऋषि धाम में ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि धाम पधारे थे। कहा भी जाता है कि बाबा श्रृंगी ऋषि के प्रताप से राजा दशरथ को भगवान राम सहित चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का यहाँ मुंडन करवाया था। इस धाम में भगवान शिव एवं माता पार्वती की अद्भुत मूर्तियां विराजमान हैं। आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि धाम में एक स्नान कुंड भी है। इस कुंड से जुड़ी एक रोचक बात भी है कि कुंड में आने वाले पानी का स्रोत कहां से है, पानी कहां से निकलती है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की हुई समीक्षा बैठक। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था जहां पर मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले की जल जीवन हरियाली यात्रा से संबंधित बैठक की गई थी जहां पर सार्वजनिक कुआं, चापाकल, आहर, पइन के जीर्णोद्धार से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने रवाना किया जल जीवन हरियाली का ऑडियो वीडियो। जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे हुए हैं। जगह जगह यात्रा तो कर ही रहे हैं, अब अपने इस यात्रा को और सफल बनाने के लिए साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रचार रथ को ग्रीन सिग्नल देकर रवाना किया है। इस रथ से समाज में हो रहे सभी अप्रिय वाक्यों पर आम जनता को जागरूक किया जाएगा। 29 को शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड को अब जल्दी एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है जिसका फैसला तो 23 दिसंबर को हो ही गया था मगर आधिकारिक मुहर 29 दिसंबर को लगाई जाएगी। इसी दिन JMM प्रमुख बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने से पहले हेमंत सोरेन ने 50 MLA का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। सुशील मोदी ने लिया भाजपा का पक्ष। हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद परिणामों का सीधा असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है जिससे कि अब विपक्षी बयानबाजियां भी NDA के गठबंधन को लेकर शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में भाजपा और NDA गठबंधन का बचाव करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन की जीत से बिहार में जिन राजनीतिक पार्टियों के मन में लड्डू फूट रहे हैं वो यह जान लें कि दोनों राज्यों की सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही अलग हैं। सब कुछ अगर एक जैसा होता तो राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्दियों में सप्रा चौधरी की फोटो सोशल मीडिया में बढ़ा रही है तापमान।
हरियाणा से अपने डांस को लेकर चर्चित हुई सपना चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर भी अक्सर उनके वीडियोस और फोटोज ट्रेंड करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है। सपना चौधरी ने अपने सोशल मीडिया साइट से सर्दियों के कपड़े में एक फोटो शेयर की है, जहां पर सपना ने पीच कलर का एक स्वेटर पहन रखा है, जो कि उनके फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। इस वर्ष सबसे ज्यादा मैच जीतने में भारतीय टीम रही टॉप पर। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम का डंका विश्व क्रिकेट में जमकर बोल रहा है। भारतीय टीम इस वर्ष सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन चुकी है। भारतीय टीम ने 8 टेस्ट में से 7, 28 वनडे में से 19 और 16 टी20 में से 9 मैचें जीती है, यानी तीनों फॉर्मेट के कुल 52 मैचों में से भारत ने 35 मैचें जीती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस वर्ष एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर आप सोना चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 36,460 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,360 रुपए था, यानी कि सोने के भाव में कल के मुकाबले आज इजाफा हुआ था। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,800 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पटना में पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है, यानी कि पेट्रोल का दाम 89.3 रुपए प्रति लीटर ही था। वहीं डीजल की कीमत भी कल की भांति ही 71.7 रुपए प्रति लीटर थी। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। कल से ही बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल और कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो वही कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सांसद राजीव रंजन ने एनडीए गठबंधन पर कही बड़ी बात। बिहार के मुंगेर जिले से सांसद राजीव रंजन ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है, जहां एक ओर झारखंड चुनाव के परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में अस्थिरता की उम्मीद जताई जा रही थी, तो वहीं राजीव रंजन के इस बयान ने सभी विपक्षी बयानबाजी पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने स्थानीय नगर भवन में आयोजित जदयू के लखीसराय विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए यह कहा है कि एनडीए गठबंधन अटूट है और आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा और वही हमारे अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत के क्रिकेट इतिहास में अब तक के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर आपके हिसाब से कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।